टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को मूव करना है और इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा तो क्या उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा? यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ये नहीं लिखा फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने क्या लिखा फोर्स इन ए मूविंग चार्ज। क्या एक चार्ज रेस्ट में है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता? पहले इसको समझ लो ध्यान से। मान लो ये कोई चार्ज है क्यू, इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो, रेस्ट में है मतलब ये रुका हुआ है। क्या इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड? क्या इस पर फोर्स लगाएगा? मूव करेगा तब तो लगाएगा, रुका हुआ तब नहीं लगा रहा। क्या क्या रीजन हो सकता है? बताओ कौन बताएगा? मैंने बोला कि अगर ये चार्ज रुका हुआ है तो इस पर फोर्स नहीं लगता, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे, चलना स्टार्ट कर दे तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। ऐसा कैसे? अच्छा ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? करंट की वजह से, हर जगह यही है। आप आगे अगले चैप्टर में मैग्नेट के बारे में स्टडी करोगे और मैग्नेट के अंदर भी आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो मैग्नेट होता है ना उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम उसे कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं करते फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके अंदर जब आप डिटेल में जाओगे ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही नेचर के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है तो क्या ये करंट प्रोड्यूस करेगा? बताओ, करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? चार्ज का मूव करना जरूरी है। चार्ज मूव करेगा, चार्ज के मोशन से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज की जो फ्लो रेट होती है ना, किसी भी पॉइंट से कितना तेजी से चार्ज पास हो रहा है ना, चार्ज की जो फ्लो रेट होती है, कितना फ्लो हो रहा है किसी भी पॉइंट से, उस फ्लो रेट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो करंट क्या हुआ, जीरो। समझ में आई ना बात? तो करंट यहाँ पे जीरो रहेगा। अगर करंट जीरो है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चार्ज पार्टिकल, वो भी क्या होगा, जीरो। ये तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, ये कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, हो सकता है किसी करंट कैरिंग वायर के का मैग्नेटिक फील्ड हो या किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो, ये कोई दूसरा ही मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये ना तो कोई करंट प्रोड्यूस करेगा ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो ये किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करेगा, इस पर ना तो ये किसी पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि सेम टाइप की चीज़ों पे ही फोर्स लगता है। जैसे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, चार्ज पे फोर्स लगाएगा, चार्ज मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगाता। समझ में आया क्या, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये कोई करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता और इसलिए इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दे तो हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज भी क्या करेगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया। जैसे ये मोशन में आया इसने खुद भी एक फील्ड क्रिएट कर लिया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा, इसकी वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, इसमें भी एक स्पेशल केस होता है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो यहाँ पे मैटर करेगा। अगर हमने एक इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल करके देखा, हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया। दो कंडीशन है, पहली बार हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको थ्रो किया, मूव करवाया, और सेकंड कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करवाया। हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन में इस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, लगा ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स। क्या इस बार इस चार्ज पार्टिकल ने कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया? बिल्कुल किया। तो फिर फोर्स क्यों नहीं लगा? फोर्स इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो मूविंग चार्ज है ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये एक मैग्नेट है, इसके पास में मैं एक और मैग्नेट रख देता हूँ, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? है ना, मैग्नेट लगेगा, पास पास रखी है और ये अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं ये दूसरा केस आपको बताता हूँ, ये एक मैग्नेट है, इसके पास में मैंने एक दूसरी मैग्नेट रखी,
क्या अभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? परपेंडिकुलर रखी हुई है इस पर, एक मैग्नेट ऐसे दूसरी ऐसे रख दी, फोर्स लगेगा? आमने सामने होता है ना, अट्रैक्ट होती है, रिपेल होती है, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। क्या दोनों मैग्नेट पास पास रखी हुई है तो फिर फोर्स लगना चाहिए ना, तो क्यों नहीं लगा? क्योंकि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसका इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे याद रखो, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल से इनवर्ड, और इसका इधर होगा। तो ये परपेंडिकुलर जब होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते, मतलब इन पर फोर्स नहीं लगता मैग्नेट्स के ऊपर। तो क्या ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है? वैसे यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट कौन से डायरेक्शन में होगा? तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? तो वायर के चारों तरफ उसके परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, करंट इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ऐसे याद रख सकते हो, जैसे ये परपेंडिकुलर है तो फोर्स नहीं लगता, वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये प्रैक्टिकली हमने देखा, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है? अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करता, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक देता या नीचे की तरफ फेंक देता या इधर मूव करवाता, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको थ्रो करना है, तो हम क्या देखेंगे कि इस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मतलब जितना लग सकता है ना इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो मैक्सिमम लग रहा होगा। कब? जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना? अब कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं अभी। ये देखो एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस, और ये मान ली मैंने z एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्स जेड प्लेन के अंदर, कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलाने वाला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, ठीक है? जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस एक्चुअल में तो इधर होगी ना ये, तो इनको मिलाने वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको क्या बोलते हैं? एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। तो इस प्लेन में चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी वी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे मूव कर रहा है? थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, बता सकते हो ना ऐसे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इससे थीटा एंगल पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद ही बता दोगे अभी कि ये फॉर्मूला क्या बनेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे ना तो जीरो है ना 180 है, जीरो 180 होता तो फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसके अपोजिट मूव करे तो फोर्स नहीं लगेगा, तो अभी लगेगा, ठीक है? अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? पहली चीज़ है कि इस चार्ज के मैग्नेट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। सोच के बताओ, ये जो चार्ज है अगर ये बड़ा होता, इसका मैग्नेट्यूड अगर ज़्यादा होता तो इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या वो कम ज़्यादा होता? मतलब कुछ फर्क पड़ता है क्या उस पे? फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि देखो जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज मूव करेगा वो उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज की जो फ्लो रेट होती है उसी को क्या बोलते हैं? करंट। तो क्यू अगर ज़्यादा होता तो फोर्स ज़्यादा लगता, इसका मतलब अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो इस पे ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब दो मैग्नेट्स आपने पास पास रखी, एक स्ट्रॉन्ग है और एक कमजोर है, तो उस पर जो वीक मैग्नेट होगी उस पर फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन अगर वो भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा।
भाई दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स पास पास रखोगे तो ज़्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल होंगी, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो कम फोर्स लगेगा क्योंकि एक वीक रहेगी ना। उसी तरीके से ये तो मैग्नेटिक फील्ड ही जितना है, अगर ये भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और करंट प्रोड्यूस करेगा तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितना बड़ा चार्ज होगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये चीज़ समझ में आई क्या? ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिपेंड करेगा। तो इस वेलोसिटी को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं इसके दो कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो वो भी मुझे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा इसको। तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक कंपोनेंट आया एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्या होगा ये कंपोनेंट, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, वी कॉस थीटा होगा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के लॉन्ग, जब दिखाएंगे उसको जेड एक्सिस ये मानिए अपन ने, तो ये होगा वी साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए इसके, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। अब सोच के बताओ कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती तो क्या उस पर फोर्स लगता, नहीं लगता। यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वी कॉस थीटा से मैग्नेटिक फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर वी साइन थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, अगर चार्ज पार्टिकल वी साइन थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता तो क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता, डेफिनेटली लगता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है v साइन थीटा के ऊपर। समझ में आई ये बात, वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अभी एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि ये v साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करके इसमें सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी एंगल पे मूव कर रहा हो चार्ज पार्टिकल तो वेलोसिटी के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करेगा। एक और चीज़ है, बताओ कौन सी चीज़, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है चार्ज पार्टिकल पे, तो इस पे भी तो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। भाई ये ही अगर कमजोर हो, ये एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ये तो लगा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये खुद ही वीक है, बहुत कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ज़्यादा फोर्स कैसे लगा पाएगा, कम ही लगाएगा। इसका मतलब जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तीनों को कंबाइन कर दो, तीनों इक्वेशंस को, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है ना, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली वन होती है। ये कांस्टेंट कभी वन होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है इसकी भी अपन बात करते हैं। चलो ये आपको पता होना चाहिए, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू वन है, मान लो यहाँ पे कांस्टेंट आया के और के की वैल्यू वन है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। देखो कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है क्यू, मुझे क्यू पता है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये भी पता है और थीटा भी पता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन सब की वैल्यूज पुट करके और चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, फिर प्रैक्टिकली किसी दूसरे मेथड से हमने वापस से इस चार्ज पार्टिकल पे ये फॉर्मूला यूज नहीं किया, इस पर हमने किसी दूसरे मेथड से इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया और हमने क्या देखा, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, मतलब कॉन्स्टेंट आएगा उसकी वैल्यू वन होगी, अलग से कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर इससे जब मैं इसको सॉल्व करता और इससे अपने पास जो आंसर आता वो मान लो 10 न्यूटन आता, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देख रहे हो इसको तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा वो 20 न्यूटन का लगा, तो कौन सी बात सही मानोगे, फॉर्मूले वाली या फिर प्रैक्टिकली जो देख रहे हो, प्रैक्टिकली 20 न्यूटन का फोर्स लगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो वो चीज़ क्या है, वो है यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट, उसको वो कॉन्स्टेंट कितना हो कि ये 20 न्यूटन बन जाए, फिर अगर ये 10 है तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 20 बन जाए, 2। तो हमने क्या बोला कि जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा और वो कितना होगा, 2
टू होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, टू। तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हमेशा इस चीज से डिसाइड होता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है और जो मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, उनमें अगर वो एग्जैक्टली बराबर आ रही है तब तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन हो गई, बैलेंस हो रहा है ना दोनों। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर क्यू बढ़ेगा तो एफ बढ़ जाएगा, वी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो नहीं पता चलता इससे, वो इक्वल का सिंबल लगाओगे तब पता चलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू किससे पता चलेगी, जब यहाँ पे इक्वल का सिंबल लग जाएगा, और इक्वल का सिंबल लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली जो फोर्स लग रहा है और फॉर्मूले से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ कॉन्स्टेंट पुट कर दो वहाँ पे, जिससे हम इनको इक्वल लिख पाएं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स क्या है, अरे बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसी फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो एफ इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये इसका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में हमेशा आपको वी क्रॉस बी ही लिखना है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आएंगे आपको याद रखना है बी हमेशा लास्ट में आएगा। इस चैप्टर में हम बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये जो चैप्टर है ना इसको पढ़ने के लिए आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन क्या आती है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हाँ, फॉर्मूला समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, वी क्रॉस बी ही आएगा, बी क्रॉस वी नहीं लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है चार्ज पार्टिकल पे, जो फोर्स लगेगा वो वी क्रॉस बी से जो डायरेक्शन आएगी ना उसकी, उस डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप उल्टा कर दोगे ना इसको तो फोर्स की डायरेक्शन इससे रिवर्स हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट में खास बात क्या होती है कि जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर आपने ए क्रॉस बी लिखा है तो ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगता है जो ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो क्या इनका ऑर्डर चेंज करने से डायरेक्शन बदल जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। जहां भी जिन भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है हमेशा ऑर्डर ध्यान में रखेंगे कि पहला कौन आएगा बाद में कौन आएगा, कन्फ्यूजन नहीं है इस चैप्टर में आपको, कोई बी हमेशा क्या आएगा बाद में आएगा, है ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जाएं बी हमेशा बाद में लिखना, जो भी दूसरी चीज़ है वो पहले लिखी जाएगी। और भी फॉर्मूले बताऊंगा अभी, उन सब में जिनमें भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो बी का किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, तो बी हमेशा बाद में लिखना है। चलो अभी बताओ कि V क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की इस केस में, वो डायरेक्शन क्या होगी, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? चलो ठीक है, देखो बिल्कुल आसान है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, इधर इनके बीच का एंगल है थीटा। आपको करना है A क्रॉस B, ध्यान से देखो आपको क्या करना है, A क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। ये एक वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देख रहे हैं अपन। पहले क्या चीज लिखी है, ए वेक्टर, तो जो पहला वेक्टर होगा हमेशा उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखना है, और जो दूसरा वेक्टर है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, ठीक है, और छोटा एंगल वाली साइड में घुमाना है। अब बोलोगे सर ए से बी की तरफ घुमाना है क्या, तो ए से बी की तरफ ऐसे घुमा सकते हो, और ऐसे भी तो घूम के पहुंच ही जाओगे ए से बी पे, तो हमेशा छोटा एंगल जो बनेगा ना दोनों के बीच में उसकी तरफ घुमाना है। तो ए की डायरेक्शन में ऐसे रखा, बी की डायरेक्शन में ऐसे घुमाया, तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर या इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिस प्लेन में दोनों वैक्टर होंगे ना ये उसके परपेंडिकुलर ही आएगी हमेशा रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन। समझ में आई क्या बात, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बताओ कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो कौन सी एक्सिस के अलोंग लगेगा, एक्स वाई जेड में से बताओ। वी क्रॉस बी करना है, वी किधर है, वी एक्चुअल में इधर है, देखो ये है वी वेक्टर, ये तो था वी वेक्टर का एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा था, ये है वी वेक्टर, तो वी की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे रखना है, और बी इस बोर्ड वाले प्लेन में है देखो इधर है, तो ऐसे राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब किधर गया ऊपर। इसका मतलब जो V क्रॉस B है यानी कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड आ गई। इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या यहाँ पे माइनस का सिंबल लगता, वेक्टर फॉर्म में लिखते तो लगता,
यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स का। जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है क्योंकि चार्ज का नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का होता है। तो ये अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस लगता है। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट लेनी है। समझ में आया ना? माइनस सिंबल का मतलब क्या है? वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है यानी कि अभी अपवर्ड आ रही है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स लगता डाउनवर्ड यानी कि माइनस वाई एक्सिस के लोग।